वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पीजू सर। आज जो टॉपिक्स होगा स्टेम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में स्टेम होगा। आई प्रॉमिस टू यू योर कॉन्सेप्ट विल क्लियर। लेट स्टार्ट द क्लास। ओके, तो आज देखो जो टॉपिक्स होगा स्टेम। स्टेम जो पोर्शन होगा स्टेम में, तुम्हारा याद है एरियल जो पार्ट है, ग्राउंड से अपर में जो एरियल पार्ट होता है वो स्टेम बोला जाता है। इट इज बेटर टू से द फोटोसिंथेटिक एरियल पोर्शन इज कॉल्ड शूट। इसका दूसरा जो नेम होता है ना, दूसरा जो नेम होगा शूट बोला जाता है। इसीलिए ये जो स्टेम का जो पिक्चर है, देखो स्टेम का पिक्चर जो है ग्रीन होता है जनरली। इसमें जो एरियल जो पार्ट है, इसमें एरियल से जो पार्ट होगा ना, वो एरियल पार्ट में फोटोसिंथेटिक ही होगा। इसलिए प्लांट्स जो ग्रीन पार्ट्स है वो एक्चुअली स्टेम है। तो स्टेम का तो डिफरेंट टाइप्स होगा। आज जो टॉपिक्स स्टेम है इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो जानना चाहिए। तो देखो इसमें स्टेम जनरली डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल एंड एपिकोटाइल ऑफ द एम्ब्रायो। एम्ब्रायो से डेवलपमेंट स्टेज में दो पार्ट है, रेडिकल से रूट डेवलप होगा, प्लूम्यूल और एपिकोटाइल जो पोर्शन होगा उसमें स्टेम होगा। देखो इसमें थोड़ा पिक्चर दिखना चाहिए। जो रेडिकल जो पोर्शन है उसमें रूट निकल जाएगा अंदर में, उसके बाद जो पोर्शन डेवलप होगा अपर में वो स्टेम बोला जाता है। बीच में जो एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो के साथ जो अपर जो पार्ट है वो कॉटिलीडन का पार्ट है, इसका नेम कॉटिलीडन्स है, ठीक है। लोअर में जो पार्ट है इसका नेम रूट्स है। इसमें जो पोर्शन है रेडिकल है, ये रेडिकल है, ये जो पोर्शन है ये एपिकोटाइल का पोर्शन है। देखो स्टेम जनरली डिफरेंट टाइप्स होगा स्टेम में, बट इसमें देखो स्टेम इज इरेक्ट, जनरली इरेक्ट होगा एंड अवे फ्रॉम द सॉयल, सॉयल से ज्यादा डिस्टेंस होगा। स्टेम का डिफरेंट साइज होगा, स्टेम का डिफरेंट साइज होगा मींस टाइप्स ऑफ प्लांट होगा लाइक हर्ब्स, शार्ब्स, ट्री ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम लेंथ। ओके, देयर इज अ टर्मिनल बार्ड एट द एपेक्स। स्टेम का जो एपेक्स में एक टर्मिनल बार्ड होगा उसमें फ्लावर डेवलप होगा, ठीक है। एंजियोस्पर्म में जो स्टेम का जो कैरेक्टर है उसमें नोड इंटरनोड कंपल्सरी होगा। तो स्टेम इज डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। ये क्या है, स्टेम का नोड्स इंटरनोड इंटरनोड्स पोर्शन कहां पर होगा? इसमें देखो एक ज्वाइंट है, इसमें देखो इसमें जो ज्वाइंट है ना, स्टेम का जो ज्वाइंट है जहां से लीफ ब्रांच डेवलप होगा वो ज्वाइंट में बोला जाता है नोड। इसमें देखो ये जो पोर्शन है ये नोड है। नोड अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा, उसमें लीफ डेवलप होगा, उसमें उसी के साथ ब्रांच होगा, बट जो इंटरनोड का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा हॉलो होगा और नॉट सॉलिड प्रॉपरली। तो देखो इसमें जो नोड पोर्शन है, इसमें देखो ये जो नोड है, ये नोड पोर्शन है, नोड थोड़ा सा सॉलिड होगा। इसमें जो पोर्शन है ये इंटरनोड बोला जाता है, ये इंटरनोड का कैरेक्टर है। इंटरनोड दो नोड का बीच में होगा, तो जो दो नोड का पोजीशन है उसके बीच में जो पोर्शन है वो इंटरनोड बोला जाता है। इसमें देखो पिक्चर में एक नोडल पोजीशन का ड्राइंग में देखा, उसके बाद जो नोड आएगा, उसके बाद ये जो नोड आएगा उसका अंदर में जो पोर्शन होगा, ये जो मार्जिन में ये जो पोर्शन है इसका नेम इंटरनोड है। इसीलिए स्टेम जो पार्ट है तो अपर पार्ट है ग्राउंड से, अवे फ्रॉम द सॉयल, सॉयल से ज्यादा डिस्टेंस होगा। इसमें दो पार्ट डिफरेंशिएट होगा, पहले तो नोड है, दूसरा इंटरनोड होगा। उसके बाद स्टेम का सरफेस में स्पाइन होगा,
कोई कोई स्टेम में स्पाइन होगा, देखो ये प्रोमिनेंट स्पाइन है, तो स्पाइन जो पोर्शन है, तो स्पाइनी जो अपीयरेंस है, तो इसमें देखा ये स्पाइनी स्टेम है, ये जो स्टेम है ये स्मूथ स्टेम है, इसमें कोई स्पाइनी कैरेक्टर नहीं। तो देखो स्टेम के डिफरेंशिएट होना चाहिए। यंग स्टेम्स जनरली ग्रीन एंड फोटोसिंथेसिस होगा। मैक्सिमम जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में और मोनोकोटिलेडोन जो प्लांट्स में, डाइकॉट मोनोकॉट दो टाइप्स वैरायटी है, उसमें जो प्लांट्स होता है उसमें ग्रीन, सारा का सारा प्लांट्स का स्ट्रक्चर ग्रीन होगा। क्यों? ग्रीन लीफ में क्लोरोफिल है, इसीलिए ग्रीन होगा। एंड प्रैक्टिकली जो यंग स्टेम है, जो जर्मिनेटिंग के बाद जो स्टेम ग्रो होगा उसमें ग्रीन लीफ होगा, प्रैक्टिकली उसमें जो स्टेम है वो ग्रीन हो जाएगा। तो देखो इसमें जो जर्मिनेटिंग का बाद जो कोटिलेडोन्स में जो स्टेम आएगा, वो जो स्टेम होगा, जर्मिनेटिंग का जो स्टेम होगा वो ग्रीन होगा, उसमें जो लीफ डेवलप होगा वो ग्रीन होगा। इसीलिए बोला जाता है यंग जो स्टेम होता है वो ग्रीन फोटोसिंथेटिक होगा। स्टेम में थोड़ा सा हेयर होगा, बॉडी सरफेस में तो हेयर रहेगा ही, स्टेम्स के साथ सेम होगा। तो देखो सरफेस में थोड़ा सा हेयर होगा तो वो जो हेयर स्टाइल है, वो जो हेयर जो टाइप्स होगा वो डिफरेंट टाइप्स का हेयर होगा, वो प्रैक्टिकली समझ में आना चाहिए। बट आज जो मॉर्फोलॉजी का जो हेयर है, यू लुक हेयर, दिस इज द हेयर, हेयर जो स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा सा हेयर इसमें रहेगा। तो देखो ये पिक्चर में हेयर का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। देखो एक पिक्चर है, इसमें ज्यादा हेयर है, देखो इसमें ज्यादा हेयर है, इसमें जो हेयर है ना परपेंडिकुलर हेयर है, ये जो टाइप है ज्यादा हेयर है, इसीलिए स्टेम सरफेस में हेयर रहेगा, तो वो जो स्टेम का मॉडिफिकेशन ही होगा। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर स्टेम का जनरल कैरेक्टर है। अभी दूसरा जो पार्ट लगेगा टाइप्स ऑफ स्टेम, ये क्लियर होना चाहिए। तुम्हारा टाइप ऑफ स्टेम क्लियर होगा तो पूरा स्टेम का जो मॉर्फोलॉजिकल पार्ट वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा इसमें जो टाइप्स है, साकर्स टाइप है, रानास टाइप्स है, क्लाइंबर, ट्यूबर्स, राइजोम्स, टेंडिल्स, थ्रॉन्स एंड क्लाडोड। आज जो ये जो टाइप्स आज डिस्कस होगा ये पिक्चर के साथ हो जाएगा, तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो साकर्स, तो साकर्स जो पहला जो पोर्शन है साकर्स है, देखो ये क्या है, साकर्स का जो पिक्चर होता है वो इसमें है। साकर्स में देखो ये जो स्टेम है, स्टेम का जो पार्ट है ये साकर्स बोला जाता है। क्यों? इसमें देखो एक स्टेम से दूसरा ब्रांच डेवलप हो गया। इसमें देखो ये जो ग्रीन पार्ट है ये स्टेम ही है। स्टेम में देखो ये जो पार्ट डेवलप होगा, ये जो पार्ट डेवलप हो रहा है ये एक्चुअली साकर्स बोला जाता है। क्यों? साकर्स एक टर्म है, इसमें समझ में आना चाहिए। स्टेम का जो स्टेम है उसी के साथ जो एक्स्ट्रा स्टेम डेवलप होगा वो ब्रांच में, तो वो बोला जाता है साकर्स है। तो साकर्स जो स्ट्रक्चर है इसमें मार्क है, दिस इज साकर, लुक द पिक्चर हियर। साकर जो पार्ट है वो स्टेम का साथ डेवलप होगा, बट एक्चुअली एज ए साकर इट एब्सॉर्ब्स न्यूट्रिशन फ्रॉम स्टेम। बेसिकली ये साकर्स का बेस्ट ड्राइंग है, यही साकर्स बोला जाता है। ठीक है, दूसरा रानर्स, रानर्स में देखो रानर्स जो टर्म है बेसिकली रान, तो रान मीन्स इसमें जो रानर्स होगा, इसमें रानर्स में जो होगा एक ब्रांच का साथ दूसरा ब्रांच का कनेक्शन हो जाएगा। बेसिकली ये जो कनेक्शन होगा प्लांट का, ये जो प्लांट है पहले जो प्लांट है उसका जो पार्ट है दूसरा जो प्लांट है उसका जो पार्ट है बेसिकली कनेक्टेड होगा एक ब्रांच में। ये जो ब्रांच होगा इसका बोला जाता है रानर्स। देखो पिक्चर ध्यान से देखो, इसमें एक पोर्शन होता है, इसमें जो पार्ट डेवलप होगा ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट में ये बोला जाता है
रानास का स्ट्रक्चर है. रानास बेसिकली द कनेक्शन बिटवीन द टू स्टेम एज ए एरियल कनेक्शन दैट कॉल रानास. तो रानास में जो पार्ट ग्रीन एरियल में जो मिलेगा वही रानास है. तीसरा क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स का जो पॉपुलर एग्जाम्पल है क्यूकर्बिटा मैक्सिमा, तुम्हारा तुम लोग में याद है. तो जो क्यूकर्बिटा का जो स्ट्रक्चर है वो क्लाइंबर ही होता है. तो देखो एक पिक्चर में क्यूकर्बिटा में जो स्ट्रक्चर होगा, पिक्चर में देखो ये जो क्यूकर्बिटा का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये बोला जाता है क्लाइंबर्स. इट क्लाइम्स विद द स्टिक और सबस्टेटम. तो बेसिकली ये क्लाइंबर्स है, इसमें एक टेंडिल होगा. ये जो टेंडिल है ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है. ये टेंडिल्स होगा, जो टेंडिल्स इसमें है उसी के साथ एक स्टिक लगेगा, उसके बाद ये क्लाइम्स कर सकता. इसलिए ये जो पार्ट है ये क्लाइंबर बोला जाता है. तो देखो क्लाइंबर का जो बेस्ट एग्जाम्पल है क्यूकर्बिटा मैक्सिमा. क्यूकर्बिटेसी फैमिली में ये रहेगा. क्यूकर्बिटा बीटा जो प्लांट्स है बेसिकली उसमें ये जो क्लाइंबर में ये देखा. इसीलिए क्लाइंबर का जो टेंडिल्स है उसका साथ जो स्टेम है, जो स्टेम वो मैच हो जाएगा स्टेम का स्टिक में. इट अटैच विद द स्टिक और एनी अदर्स सबस्टेटम एंड इट क्लाइम्स अप द प्लांट. तो देखो द फोर्थ टाइप. द फोर्थ टाइप इज कॉल्ड द ट्यूबर. ट्यूबर का जो एग्जाम्पल है तुम्हारा याद है पोटेटो. पोटेटो प्लांट में जो ट्यूबर होता है देखो सॉइल का अंदर में एक स्टेम मॉडिफिकेशन है. ये जो पार्ट है स्टेम का मॉडिफिकेशन है. स्टेम का जो पार्ट है उसके बाद उस स्टेम मॉडिफाइड हो जाएगा. मॉडिफाइड हो जाएगा तो इसमें पोटेटो बन जाएगा. तो इसमें देखो जो पोटेटो इसमें बन जाएगा ये स्टेम का मॉडिफाइड पार्ट है. इसीलिए ये जो पोर्शन है पोटेटो ये देखो एक ट्यूबर का बेस्ट एग्जाम्पल है. सोलानेसी फैमिली का जो प्लांट है इसमें देखो स्टेम का मॉडिफिकेशन है. इसीलिए ये बोला जाता है चोली द ट्यूबर. नेक्स्ट नंबर फाइव. फाइव में देखो जो नंबर फाइव में जो आएगा वो राइजोम आएगा. इसका जो नेम है राइजोम, तुम्हारा याद है स्पाइस का प्लांट है. इसमें जो राइजोमेसिया जो पोर्शन होता है अंदर में सॉइल का अंदर में रहेगा. वो जो राइजोमेसिया जो पोर्शन है जिंजर बेस्ट एग्जाम्पल है. तो राइजोमेसिया जो पोर्शन होगा वो सॉइल का अंदर में रहेगा, उसी के साथ उसका नोड इंटरनोड भी डेवलप होगा. उसमें नोड इंटरनोड में है उसमें जो रूट्स एडवेंटिशियस रूट्स है ओके फाइबर लाइक रूट है. तो देखो इसमें जो राइजोमेसिया जो पोर्शन होगा राइजोम लाइक जो पोर्शन होगा वो जो राइजोम सॉइल में अंदर में होगा. इसीलिए एक मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है इसका नेम राइजोमेसियस. पिक्चर में देखो ये सॉइल का अंदर में रहेगा तो उसके बाद वो राइजोमेसियस पोर्शन सॉइल का अंदर में डेवलप होगा. नंबर सिक्स देखो सिक्स का जो पिक्चर है इसमें देखो एक स्टेम है ये टेंडिल बोला जाता है. कौन सा टेंडिल है टेंडिल क्या है ये समझ में आना चाहिए. टेंडिल्स जो होता है ना टेंडिल्स जो मॉर्फोलॉजी है ना ये जो स्टेम का साथ मॉडिफिकेशन होगा उसके बाद एक थ्रेड लाइक हो जाएगा. वो जो थ्रेड है वो स्टिक का साथ अटैच हो जाएगा उसके बाद प्लांट्स अपर से रन होगा. इसीलिए टेंडिल बोला जाता है. टेंडिल जो पार्ट है स्टेम का मॉडिफिकेशन है. क्यूकर्बिटा जो प्लांट है उसका साथ ये टेंडिल दिखा तो उसी में टेंडिल मॉर्फोलॉजी फाउंड है. इसीलिए टेंडिल जो मॉर्फोलॉजी फाउंड इन क्यूकर्बिटा मैक्सिमा प्लांट है ओके. नेक्स्ट देखो इसके बाद जो थॉर्न जो स्टेम है ना देखो थॉर्न जो स्टेम होता है
वो जो स्टेम में थोड़ा सा स्पाइनी होगा, स्पाइनी तो होगा ही, बट स्टेम का ज्यादा स्पाइन थ्रोन लाइक अपीयरेंस होगा। तो देखो इसमें जो स्टाइप होगा नंबर सिक्स में, ये स्टेम का साथ जो स्पाइनी जो अपीयरेंस आएगा, एक ये जो स्पाइनी जो अपीयरेंस है इसका नेम थ्रोन। जो थ्रोन का जो स्ट्रक्चर होता है, ये टाइप्स ऑफ स्टेम का मॉडिफिकेशन है। स्पाइनी आउटलाइन जो है ना स्टेम का साथ, जो सरफेस में हेयर तो रहेगा ही, उसके बाद स्पाइनी स्ट्रक्चर होगा। तो कितना स्पाइनी होगा, ज्यादा स्पाइनी होगा। ये जो एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है ना रोज का, रोज तो प्लांट है, याद है ना, रोज जो प्लांट है ना उसका जो सरफेस है ना ज्यादा का ज्यादा स्पाइनी था है, इसीलिए जो रोज का जो पिकअप में ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए रोज में स्टेम में जो स्पाइनी है वो थ्रोन का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो क्लियर है ना, क्लियर हो गया। तो एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है ये सिक्स नंबर के लिए। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल टाइप में देखो, लास्ट एंड फाइनल टाइप में सेवन टाइप्स में देखो क्लाडोट। ये जो टर्म है क्लाडोट क्या है, क्लाडोट एक लैटिन टर्म है। क्लाडोट मीन्स स्टेम। स्टेम के साथ जो पोर्शन डेवलप होगा लीफ, जो ब्रांच, इसमें लीफ जो डेवलप होगा उसका नेम क्लाडोट होगा। तो क्लाडोट एक मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। स्टेम का जो नोडल जो पोर्शन है उसके साथ जो पोर्शन डेवलप होगा इसमें ये जो लीफ है एक क्लाडोट बोला जाता है। तो इसीलिए जो सेवन टाइप्स का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा क्लियर होना चाहिए। देखो सेवन टाइप्स का जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर टेंडिल है, ये राइजोम है, इसमें देखो ये ट्यूबर है, ऑटो ट्यूबर बोला जाता है। इसमें देखो एक क्लाइंबर का नेचर है, क्लाइंबर एक मॉडिफिकेशन है। इसमें देखो एरियल जो कनेक्शन है ये बोला जाता है रानर का। उसके बाद जो साकार जो स्टेम है ये साकार बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करो, उसके बाद तुम्हारा जो फ्रेंड है उसके साथ शेयर करो, गांव गांव तक ये रीच होना चाहिए। कमेंट करो, लाइक करो। इसमें दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा, नया टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, सी यू नेक्स्ट क्लास।